अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रहे हैं ब्लॉग में, है ना। तो हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिजी नहीं थोड़ा सा अपने समर हॉलीडेज इंजॉय कर रही थी। तो मैं आज सोच रही थी कि मतलब ब्लॉगिंग के लिए मतलब बहुत दिन हो गए, तो आज ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं सुबह से सोच ही रही थी क्या बनाऊँ, मुझे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा कि टोनर बना लेती हूँ आज के ब्लॉग में, बट मेरे घर में फूल ही नहीं है। देन मैंने अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा सर्च किया, देन मुझे एक आइडिया आया कि मैं आज क्या बनाऊँ आज के व्लॉग में। तो वो है एक होम रेमेडी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस होम रेमेडी के लिए उन्होंने ना बेसन, टर्मरिक एंड ऐड कर दिया, देन लेमन ऐड कर दिया उसमें। देन उन्होंने ना देन लेमन डालने के बाद उन्होंने ऐड किया हाफ कप मिल्क, ठीक है। देन उन्होंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। देन इस रेमेडी को फेस पे अप्लाई करना है 20 मिनट के लिए एंड देन वॉश। तो मैंने भी ले लिया, तो मैंने ना थोड़ा ज़्यादा स्टोर करने के लिए रख दिया, क्योंकि मतलब डेली बनाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर कि अच्छे से कंटेनर में कुछ ज़्यादा अमाउंट में बना के स्टोर कर लें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लेमन, मिल्क, बेसन एंड टर्मरिक एंड एक कंटेनर ले लिया। आप कोई भी कंटेनर ले ले सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बॉटल या समथिंग एल्स, जैसे कि हनी बॉटल एक्सेट्रा। तो मैंने पहले अपने लेमन को काट लिया टू हाफ में। देन मैं इस लेमन को ना दूध में मिक्स कर ले रही हूँ, ठीक है, ताकि ये कर्ड जैसा बन जाए, ठीक है। मैंने अच्छी तरीके से लेमन को इसमें डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। मैं ना लेमन मिल्क में ऐड कर दिया, बट मेरा हाथ जल रहा था क्योंकि मेरे हाथ पे ना कट लगी थी, इसलिए बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड मेरे हाथ में जलन हो रही थी। एंड देन मैंने हाफ लेमन अपने जार में ऐड कर लिया। देन ये मिल्क भी उस कंटेनर में अब मैं ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। देन मैंने मिल्क भी ऐड कर लिया कंटेनर में। अब बारी है टर्मरिक की। जैसे कि आपको मैंने कहा कि मैं इसे 1 वीक के लिए स्टोर करूँगी, तो मैं इसमें कम से कम 5 to 6 या 7 भी आप इंचेस ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। एंड मैं 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ बेसन ऐड कर दूँगी, ठीक है। अच्छे से मैंने ऐड कर दिया है। देन आप देख सकते हैं कि मेरी फेस रेमेडी रेडी है। आप इसे 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपके जो डार्क स्पॉट्स है एंड डार्क सर्कल्स, जो भी आपकी ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स है, वो भी आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एंड यूज दिस रेमेडी एंड इट विल इज सो सुपर्ब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।